हर साल की तरह इस साल भी 15 जून को नैनीताल के पास विश्व प्रसिद्ध नीम करौली महाराज के कैची धाम में प्रसिद्ध भोज का आयोजन किया जाएगा। इस दिन 2 लाख से ज्यादा लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन भक्तों और आने वाले वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जिला प्रशासन को इसके लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं। मान्यता है कि भोजन करने वालों की संख्या ज्यादा होने पर भी कभी भोजन की कमी नहीं होती, क्योंकि इस दिन नीम करौली बाबा खुद इस भोज का ध्यान रखते हैं और किसी चीज की कमी नहीं होने देते। कहते हैं कि एक बार बाबा के आश्रम में भोज चल रहा था, भक्तों के लिए भोज बन रहा था, लेकिन घी की कमी थी। घी के बिना भोजन बनाना मुश्किल था और आयोजक परेशान हो गए थे। इसके बाद बाबा ने आयोजकों से पास में बह रही शिप्रा नदी से एक बर्तन में जल भरने को कहा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भक्तों ने पात्र में जल भरकर ले आए। इसके बाद बाबा ने अपने दिव्य स्पर्श से पात्र के जल को घी में बदल दिया। ये घी पर्याप्त था और भंडार में सभी भक्तों को पर्याप्त मात्रा में भोजन परोसा गया। ये घटना बाबा की दिव्य शक्तियों और करुणा का उदाहरण है, जिसे उनके अनुयायी चमत्कार मानते हैं। ऐसी कहानियां बाबा के प्रति उनके भक्तों की गहरी आस्था और भक्ति को दर्शाती हैं। कैंची आश्रम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अलग अलग वर्षों में 15 जून को की गई थी। इस तरह से हर साल 15 जून को ही प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीम करौली बाबा ने स्वयं भी कैंची धाम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 15 जून का दिन तय किया था। नीम करौली बाबा ने 10 सितंबर 1973 को महासमाधि ली और भौतिक शरीर छोड़ दिया। उनकी अस्थियों को कैंची धाम में स्थापित किया गया और इस तरह 1974 में बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सभी ने नीम करौली बाबा की भौतिक उपस्थिति को महसूस किया। फिर वैदिक मंत्रों के साथ बाबा की मूर्ति स्थापित की गई और नीम करौली बाबा को गुरु मूर्ति के रूप में भी कैंची धाम में विराजमान किया गया। पवित्र तीर्थ स्थल कैंची धाम मंदिर अल्मोड़ा हाईवे पर उत्तर वाहिनी नदी के तट पर स्थित है। भारत के महान और रहस्यवादी संत नीम करौली बाबा का स्थान होने के कारण ये स्थान आध्यात्मिक आस्था का केंद्र भी रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान उनके द्वारा किए गए एक चमत्कार का कथन है कि जब उनकी ट्रेन नीम करौली नामक स्थान पर रुकी तो एक एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। इसके कारण ट्रेन बिना किसी यांत्रिक खराबी के भी 2 घंटे तक वहां से आगे नहीं बढ़ सकी। ट्रेन का इंजन तो चल रहा था लेकिन पहिया नहीं। तब बाबा ने अधिकारियों को अपना टिकट दिखाया, जिससे वे असहज हो गए और उन्होंने तुरंत बाबा से दोबारा ट्रेन में चढ़ने का अनुरोध किया। उनके चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो देखा आपने कैसी थी नीम करौली बाबा की कहानी, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।